हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली चाइना के पेलियंटोलॉजिस्ट कियांग जी के हाथ 1,46,000 साल पुराना एक ऐसा ह्यूमन स्कल लगा है जिसने हमारे 100 साल की मेहनत से बने बनाए इस ह्यूमन ओरिजिन ट्री पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये प्रजाति इस ट्री पर मौजूद किसी भी ह्यूमन प्रजाति से मेल ही नहीं खाती। सो बेसिकली जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि हम आज के मॉडर्न इंसान होमो सेपियन से इवॉल्व हुए हैं, ये शायद अब एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। दरअसल 1933 में चाइना और जापान के बीच जंग छिड़ गई थी। जापान चाइना पर नॉर्थ ईस्ट से अटैक्स कर रहा था और इसीलिए इन अटैक्स से बचने के लिए वहां के लोगों ने हार्बिन सिटी की सोंगहुआ रिवर या सिंपली ड्रैगन रिवर के ऊपर इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट्स के लिए रेलवे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन इस कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पर काम कर रहे एक मजदूर के हाथ एक ह्यूमन स्कल लग गया। स्कल मिलते ही वो खुश हो गया कि भाई कुछ तो डिस्कवर कर लिया, और बिना किसी दूसरे मजदूर से इसके बारे में कोई बात किए वो सीधा उसे लेके अपने घर दौड़ाया। घर पहुंचते ही उसने ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल में उस स्कल को कपड़े में लपेटा और घर के पास ही के एक वीरान कुएं में करीबन 80 साल तक छुपा कर रख दिया। और फिर 80 सालों बाद एक दिन जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी उसने ये पूरा किस्सा अपने पोते पोतियों को सुनाया और कहा कि उस स्कल को वहां से निकाल कर उन्हें अपने ही पास उसे सहज रखना हो। उन्होंने भी फिर उसे कोई कीमती एंटीक समझकर अपने पास रख लिया। लेकिन फिर अभी हाल ही में 2017 में इस स्कल की खबर चाइना के पेलियंटोलॉजिस्ट कियांग जी तक पहुंची। उन्होंने तुरंत ही उस स्कल को हेबेल जियो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना को रिसर्च के लिए सरेंडर करने का ऑर्डर कर दिया। स्कल के मिलते ही जब साइंटिस्टों ने उसकी कार्बन डेटिंग की तो सभी के सभी शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये स्कल हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को ही गलत साबित कर रहा है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि स्कल का जो हिस्सा मिला था वो आधा अधूरा था और उसके बेसिस पर डायरेक्ट किसी भी नतीजे पर आना गलत साबित होता, इसीलिए साइंटिस्टों ने एक नई तरकीब अपनाई। उन्होंने सबसे पहले स्कल को 95 ह्यूमन फॉसिल्स के जॉ से मैच करने की कोशिश की। एंड अगेन दे वर शॉक्ड, एक भी ह्यूमन फॉसिल से ये स्कल मैच नहीं हो रहा था। इनफैक्ट इसके 3D स्कैन को AI की मदद से ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री में फिट करने की तक कोशिश की गई, बट यू वोंट बिलीव, मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज में से AI ने हमेशा इस स्कल को एक नए ब्रांच में ही प्लेस किया। अब अगर देखा जाए ना तो साइंटिस्ट द्वारा अपनाया गया हर एक मेथड सिर्फ नए स्पीशीज के तरफ ही इशारा कर रहा था, और इसीलिए मजबूरन साइंटिस्टों को इसके लिए एक नई ब्रांच बनानी पड़ गई और उसे नाम देना पड़ा होमो लॉन्गी, व्हिच मींस ड्रैगन मैन। ऑब्वियसली इसके पीछे का रीजन ये नहीं कि ये ड्रैगन जितना विशाल था, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये स्कल ड्रैगन रिवर सोंगहुआ रिवर से मिला था। अब भले ही साइंटिस्टों ने इसे एक नई स्पीशीज कंसिडर की हो, लेकिन अब तक वो उसकी सबसे पहली पहेली को ही सुलझा नहीं पाए, पार्टली बिकॉज उन्हें लगता है कि इसे सुलझाने से अफ्रीकन्स के खिलाफ रेसिज्म हो जाएगा। यस, वियर्डली That's true. दरअसल एवोल्यूशन को समझने के लिए ना फिलाडेल्फिया के एक साइंटिस्ट सैमुअल मॉर्टन ने केस स्टडी बनाई। इसमें उन्होंने दुनिया के तमाम कंट्रीज के लोगों का स्कल कलेक्ट किया और उन्हें उनके साइजेस के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसमें उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि अफ्रीकन्स का स्कल साइज में सबसे छोटा है, यानी कि उनका ब्रेन काफी छोटा है, वहीं पर यूरोपियंस का स्कल साइज और ब्रेन दोनों ही बड़ा है। अब ये केस स्टडी बेसिकली एक अजीब थियरी पॉलीजीनिज्म को बैक कर रही थी, जिसका कहना था वर्ल्ड की हर ह्यूमन रेस कंट्री वाइज अलग अलग स्पीशीज से इवॉल्व हुई है, बट आज हमें पता है ऐसा नहीं है। एंड एक्चुअली ये थियरी बस सिर्फ एक सूडो साइंस थी जिसे पॉलिटिक्स की चापलूसी के लिए बनाया गया था, सो दैट यूरोपियंस अफ्रीकन्स को अपने फायदे के लिए किसी गुलाम की तरह इस्तेमाल कर सके। बट ऑल थैंक्स टू डार्विन, जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस थियरी को पेश करके पॉलीजीनिज्म को करारा जवाब दे दिया, उसे मिटा दिया। दरअसल शुरुआत में डार्विन को ह्यूमन एवोल्यूशन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे ही पॉलीजीनिज्म थियरी सामने आई और लोग एक दूसरे को गुलाम की तरह ट्रीट करने लग गए, उन्होंने इस गुलामगिरी को बंद करने के लिए ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करने की ठान ली और इस पर करारा वर्क करके ह्यूमन एवोल्यूशन की थियरी दुनिया के सामने पेश की। डार्विन की एवोल्यूशन थियरी का यह कहना था कि दुनिया में मौजूद हर एक इंसान एक ही स्पीशीज से इवॉल्व हुआ है, यानी इन शॉर्ट डार्विन की थियरी मोनोजीनिज्म थियरी पर बेस्ड थी। अब डार्विन की थियरी किस हद तक सच थी और झूठ, उसे उस वक्त प्रूव कर पाना पॉलीजीनिज्म और मोनोजीनिज्म दोनों के सपोर्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ लेस ह्यूमन फॉसिल्स, और इसीलिए अपनी अपनी थियरीज को सच साबित करने के लिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस यानी अलग अलग ह्यूमन फॉसिल्स ढूंढने की रेस शुरू हो गई। इस रेस में उन्हें कई सारे फॉसिल्स मिले जिनकी मदद से उन्हें अरेंज करके उन्होंने एक ह्यूमन ओरिजिन ट्री बनाया, जिसके एंड में यह साबित हुआ कि डार्विन की एवोल्यूशन थियरी वाकई में सही थी और हम सब सिर्फ एक ही स्पीशीज होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए हैं। बट
आज के तारीख में जैसे आपने जाना, द ड्रैगन मैन ने इसे चैलेंज कर दिया है, क्योंकि अभी जो फॉसिल्स मिले हैं वो किसी एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, एक होमो इरेक्टस को और दूसरा उसके कई लाख साल बाद आने वाले नियंदरथल्स को। तो ड्रैगन मैन ने हमारे एवोल्यूशन ट्री को इसीलिए चैलेंज किया है क्योंकि अगर हम हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन ट्री को देखें तो तकरीबन 33 लाख साल पहले अर्थ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एग्जिस्ट करते थे जो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंटिंग के लिए ऑलरेडी स्टोन टूल्स यूज करने लगे थे जो दिखने में कुछ इस तरीके के थे, यू नो, पॉइंटेड बट नॉट शार्प। इन टूल्स को बनाने के लिए दिमाग दौड़ाने की वजह से इनके दिमाग का वॉल्यूम चिंपैंजीज के ब्रेन के वॉल्यूम से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक बढ़ गया था। बस सिर्फ इनके हाथ अभी भी चिंपैंजीज की तरह लंबे थे और स्पाइन एस शेप का था, जिसकी वजह से ये झुक कर चला करते थे। बट धीरे धीरे ये हैंडी टूल्स बनाने में एक्सपर्ट होने लग गए, जो पॉइंटेड भी थे और शार्प भी। नए हंटिंग के तरीके यूज करना और नए टूल्स बनाने से 18 लाख साल पहले इनका ब्रेन 600 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ गया और ये एक नए स्पीशीज में इवॉल्व हो गए, The Homo habilis species, यानी the handyman। पर hunting और aiming के लिए spine का सीधा होना अभी भी एक बहुत ही बड़ी necessity थी और इसीलिए gradually इन्होंने इस posture को adapt करना शुरू कर दिया और आज से तकरीबन 13 लाख साल पहले वो पूरी तरीके से सीधे चलने वाले पहले ह्यूमन स्पीशीज होमो इरेक्टस में इवॉल्व हो गए। होमो इरेक्टस स्पीशीज ने एनिमल से सर्वाइवल के लिए दो चीजें डिस्कवर की, कम्युनिकेशन और फायर। कम्युनिकेशन की वजह से वो एक दूसरे को डायरेक्शंस देकर कोऑर्डिनेट करके बड़े जानवर को भी मार सकते थे और आग की मदद से उन्हें पकाकर खा भी सकते थे। अब कम्युनिकेशन करने से और पके हुए मीट प्रोटीन के बॉडी में रेडिली एब्जॉर्ब होने से ब्रेन का साइज ड्रास्टिकली बढ़ना शुरू हो गया और 1250 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक बड़ा हो गया और फिर इससे बनी ह्यूमंस की दो सबसे ज्यादा स्मार्ट स्पीशीज होमो नियंदरथालेंसिस और होमो सेपियंस, जिसमें से होमो नियंदरथालेंसिस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अचानक से गायब हो गए और बचे सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस। अब ऐसा क्यों हुआ इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन एक स्पेकुलेशन के मुताबिक नियंदरथल्स का ब्रेन साइज होमो सेपियंस से बड़ा था लेकिन उनकी ओवरऑल बॉडी साइज काफी छोटी थी और उनकी जो अकल थी वो होमो सेपियंस से थोड़ी कम थी, एज वेल एज उनके कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेटिंग स्किल्स जो होमो सेपियंस से कम थे। सो ऑल इन ऑल मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स की कंसेंसस ये है कि मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग आउटस्मार्टेड बाय होमो सेपियंस, इंटरब्रीडिंग और उस समय के एक्सट्रीम क्लाइमेट और नेचुरल चेंजेस को विदस्टैंड नहीं कर पाना। इन रीजंस के वजह से नियंदरथल्स एक्सटिंक्ट हो गए और बचे रह गए उनके सबसे स्मार्टेस्ट कजिन्स होमो सेपियंस, यानी कि हम। अब फ्रेंड्स मुझे बताओ इस पूरे एवोल्यूशन की स्टोरी में क्या आपको ड्रैगन मैन यानी होमो लॉन्गी का कहीं पर भी जिक्र मिला? वेल नहीं, बट ऑफ कोर्स उसका स्कल मिला है तो हमें उसे भी इस कहानी में कहीं ना कहीं फिट करना होगा एंड अल्टीमेटली इस चार्ट में। देखो अगर हम ड्रैगन मैन होमो लॉन्गी के स्कल की बात करें तो ये पाया गया है कि ह्यूमन स्पीशीज का अब तक का सबसे बड़ा स्कल है, इनफैक्ट नियंदरथल्स से भी ज्यादा बड़ा और उसकी हाइट लगभग होमो सेपियंस जितनी ही थी। सो इन दोनों फीचर्स के हिसाब से इसे होमो सेपियंस और होमो नियंदरथालेंसिस के बीच में कहीं प्लेस करना ज्यादा एक्यूरेट होगा। Am I right? What do you guys say? Well, पर वहीं पर आ जाता है एक ट्विस्ट। हम अगर इसके फेशियल फीचर्स को देखें ना तो इसके आईब्रो के रिजेस बाहर की ओर निकले हुए हैं और प्लस इसके टीथ भी बिल्कुल होमो इरेक्टस से मैच होते हैं। सो नाउ इन दोनों फीचर्स के हिसाब से इसे ओल्ड ह्यूमन स्पीशीज होमो इरेक्टस के आसपास होना चाहिए, लेकिन अगेन अगर इसे वहां पर प्लेस किया गया तो ये पूरा एवोल्यूशन ट्री डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा एवोल्यूशन के साथ साथ ब्रेन का साइज भी बढ़ते आया है, यानी कि ऑल इन ऑल ये स्पीशीज ह्यूमन एवोल्यूशन की एक सबसे बड़ी पहेली है, पजल का एक ऐसा टुकड़ा जिसे कहां फिट करे समझ में ही नहीं आ रहा। साइंटिस्ट प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। एंड फ्रेंड्स दिस इज एक्चुअली कॉस्टिंग अस अ लॉट, क्योंकि इस मिस्ट्री को अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो कई सारी हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइलाज बीमारी बन के ही रह जाएंगी। ऐसी कई सारी तमाम बीमारियां हैं जो आज ह्यूमन एवोल्यूशन से हुए जेनेटिक म्यूटेशन से देखने मिली। एग्जांपल के लिए जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस को ही ले लो। आज दुनिया के 68% लोग, खास करके अफ्रीकन्स और एशियंस, लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिसके पीछे का मेन रीजन है ह्यूमन एवोल्यूशन। एक्चुअली फार्मिंग की शुरुआत अफ्रीका और एशियन कंट्रीज में पहले की गई थी, पर डेयरी फार्मिंग यूरोपियन कंट्रीज में पहले शुरू हुआ था और बेसिकली इससे हुआ ये कि यूरोपियन कंट्रीज में लोग काउ मिल्क और दूसरे कैटल्स का मिल्क कंज्यूम करने लग गए और इससे मिल्क को पचाने के लिए उनकी बॉडी ने जेनेटिकली अपने आप को
इस तरीके से म्यूटेट किया कि वो अल्टीमेटली लैक्टोज टॉलरेंट बन गए, यानी लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखने लग गए। इसका प्रूफ आप खुद 2017 के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिसर्च सर्वे में देख सकते हो। आप देख सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया एटसेट्रा एटसेट्रा के लोग काफी ज्यादा लैक्टोज टॉलरेंट है, लेकिन एशियन कंट्रीज के लोग उतने ज्यादा नहीं। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करके हम लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी अलग अलग इनएबिलिटीज और जेनेटिक म्यूटेशंस को ट्रैक कर सकते हैं और कई सारी बीमारियों का रीजंस ढूंढ सकते हैं, और हाँ ऑफ कोर्स उसके कई सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हाल ही में यूके के साइंटिस्टों ने माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन से होने वाले डिजीजेस के इलाज के लिए एक नई मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा और सुनने में काफी पेचीदा लगता है, थ्री पेरेंट बेबीज। यस यू हर्ड दैट राइट, तीन लोगों के डीएनए से बना हुआ बेबी जो कभी भी किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। So, इसे कह सकते हैं अ सुपर बेबी। अब कैसे यूके के साइंटिस्टों ने इस थ्री पेरेंट सुपर बेबी को जन्म दिया वो आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हो। काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट, आपको मजा आएगा। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट लाइक साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।